तो दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस किट का पार्ट है पावर सप्लाई सेक्शन में, जो कि इसमें पावर फुल नहीं बन रहा है। 110 की जगह पर हमें सिर्फ 20 वोल्ट ही मिल रहा है। तो चलिए इसे हम आज रिपेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दाब दें। तो चलिए इसके वोल्टेज चेक कर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यह 250 का रेंज डीसी है और इसे ग्राउंड में रखकर हम 110 को नापते हैं। देखिए दोस्तों वह उसमें थोड़ा ही कट उठ रहा है, तो इसे हम 50 के रेंज में नापते हैं। तो देख सकते हैं सिर्फ 18-19 वोल्ट ही रह रहा है। तो दोस्तों यह एसटीआर पावर सप्लाई है और वोल्टेज कम बनने का कारण 2-3 हो सकते हैं। पहला जो एसटीआर में खराबी आता है वो, दूसरा है ऑटो कपलर। ये ऑटो कपलर जो ख़राब होने की वजह से भी वोल्टेज कम बनाता है। और एक है इसके कंट्रोल सेक्शन, जो कि ऑटो कपलर से ही कंट्रोल होता है और यह वही कंडीशन जो 110 को कंट्रोल करके रखता है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि इसका आखिरकार खराबी क्या है। तो दोस्तों चेक करने के लिए हम इसे स्विच बोर्ड पर लगा देने हैं लाइन को, और जो ऑटो कपलर है उसे सबसे पहले टेस्ट करेंगे ताकि यह शॉर्ट होना है। तो हमारा ऑटो कपलर शॉर्ट नहीं बता रहा है, यह सही बता रहा है, जो कंटिन्यूटी ठीक है। और दूसरा है इसका रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों कभी कभी यह सही रहने पर भी ख़राब बताता है, तो इसे हम चेंज कर देख लेते हैं। तो चलिए उस ट्रांजिस्टर को ओपन करते हैं। दोस्तों किसी भी कंपोनेंट को निकालने के लिए सोल्डर वायर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रिंट भी सेफ रहता है। तो चलिए उसे निकाल कर देखते हैं। तो दोस्तों इस रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का आपको नंबर भी बता देते हैं, जो कि 431 है। तो चलिए इसे हम बदल कर देख लेते हैं। तो दोस्तों हम सेम ट्रांजिस्टर का ही यूज़ करेंगे, जो 431 नंबर ही है। चलिए इसे हम लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही उसका दिशा उसी तरफ लगा देना है। तो चलिए हमारा ट्रांजिस्टर लग चुका है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं हमारा पावर सप्लाई सही हुआ या नहीं। तो दोस्तों वह अब भी वही रीडिंग बता रहा है जो पहले की ही तरह है। तो चलिए इसके और अन्य कंपोनेंट को भी चेक करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके साथ में जीनर लगा होता है। तो चलिए सभी कंपोनेंट को चेक करते हैं, यह ठीक है।
ये भी ठीक है। तो हमारा यह सही बता रहा है। तो दोस्तों हमारा वो कंस्ट्रक्शन सही बता रहा है, इसलिए हम ऑटो कपलर को भी चेंज करके देखते हैं। क्योंकि सही होते हुए भी कभी कभी यह खराब होता है। हमारा ऑटो कपलर निकल चुका है और जो 817 नंबर है हम उसे भी लगा देंगे। दोस्तों चलिए इस ऑटो कपलर को लगाते हैं। तो दोस्तों इसके दिशा को हम सामने तरफ रखेंगे, क्योंकि ऑटो कपलर अगर उल्टा लगेगा तो हमारा पावर नहीं बनेगा। तो हमने इसे सोल्डरिंग कर दिया है, अब टेस्ट करते हैं। दोस्तों वह अब भी वही रीडिंग बता रहा है। तो चलिए इसे अब हम पावर सप्लाई सेक्शन को देखते हैं। तो पहले सबसे पहले एसटीआर को ओपन कर लेना है। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों यह हीट सिंक के साथ ही खुलेगा। तो हमारा एसटीआर बाहर निकल चुका है, जिसका नंबर है 0765, यानी 0765। तो इसके सभी वोल्ट को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके रीडिंग देख लेते हैं। ये रहा हमारा मेन कैपेसिटर का वोल्ट जो 250 है, और हमारा इसका गेटिंग वोल्ट एसटीआर का वो भी 22 से 25 वोल्ट तक बता रहा है। तो हमारा दोनों ठीक है। अब हम इसके आसपास के कंपोनेंट को चेक करेंगे जो कि ख़राब है या नहीं। तो दोस्तों हम इसके आसपास के कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। जरा हमारा जीनर ठीक है, ये जीनर भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो दोस्तों हमारा कंपोनेंट सही बता रहा है। तो हम इसमें एसटीआर लगा कर देखते हैं, और ये हमारा कैपेसिटर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों कैपेसिटर ठीक है। तो दोस्तों हमने सभी कंपोनेंट को चेक कर लिया है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो चलिए हम अब एसटीआर
लगा कर देखते हैं कि आखिर क्या यह फॉल्ट एसटीआर का ही है या नहीं। तो दोस्तों कभी कभी एसटीआर पावर तो ऑन करता है बट सप्लाई सही से नहीं बनाता, जैसे 110 को 110 ना बनाकर 20 30 या 50 वोल्ट ही बनाएगा और कभी कभी लोड भी नहीं लेता है। दोस्तों जैसे कि इस एसटीआर का नंबर है 0765 आपको बता चुके हैं, तो हम सेम नंबर यूज करेंगे। चलिए हम इसमें एसटीआर लगाते हैं क्योंकि सेम नंबर 0765 ही है। तो सबसे पहले इसके हीट सिंक में से कस देंगे। एसटीआर लग चुका है, अब हम इसे इस पर लगाते हैं। तो इसको लगाने से पहले तो चलिए इसके एसटीआर को हम लगा देते हैं। सबसे पहले इसको साफ पिन को साफ कर लेना है आपको। तो ऐसे आप सोल्डर कर देते हैं। तो हम एसटीआर को भी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो हमारा एसटीआर लग गया है, अब हम चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके वोल्ट को नाप लेते हैं कि हमारा पावर सप्लाई सही हुआ या नहीं। तो दोस्तों हम इसे काले प्रॉप को ग्राउंड और रेड प्रॉप को 110 वोल्ट की डायोड पर रखें। तो दोस्तों हमारा पावर सप्लाई 110 अभी नहीं बना है, 90 वोल्ट बना है जो कि स्टार्ट होने के बाद 110 वोल्ट बनेगा। तो दोस्तों पावर लगाकर इसमें तो पावर सप्लाई अभी 90 वोल्ट ही बन रहा है और बटन को ऑन करने के बाद हमारा 110 वोल्ट बन चुका है। तो हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे अब स्टार्ट करके आपको बताते हैं। तो चलिए इसे हम पैक करते हैं और इसके जो जम्पर को निकाले थे उसे लगा देते हैं। चलिए इसे हम किट को बैठा देते हैं। चलिए स्क्रीन पर आपको ले जाते हैं। हमारा ये रहा रेड, अब हमारा ट्यूब चालू हो चुका है। इसका वीडियो
देख सकते हैं अभी सिलेक्ट हो चुका है। और तुम कहाँ छोटी हो, तुम तो इतनी बड़ी हो और स्ट्रॉन्ग भी तो हो ना। छोटी तो हमारा टीवी पूरी तरह से चालू हो चुका है। दोनों ने मुंह धोया, मुझे सिर्फ इतना ग्लो मिला और तुम्हें इतना सारा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।